गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून इसलिए क्योंकि जब ये वीडियो बन रही थी तो उस टाइम भाई आफ्टरनून था। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, आज सेकेंड डे है हमारी बेकरी जो ट्रेनिंग हो रही है उसका, और मैं यहाँ पे जो डार्क कंपाउंड चॉकलेट होती है ना उसको ग्रेट कर रही हूँ कद्दूकस में। और जो सर हैं हमारे यहाँ पे जो हमें बनाना सिखा रहे हैं वो यहाँ पे केक को डेकोरेट कर रहे हैं। और इसमें पता क्या है, आज हमने डार्क स्पॉन्ज बनाना सीखा। जो डार्क स्पॉन्ज ब्लैक फॉरेस्ट केक होता है ना, उसके लिए डार्क स्पॉन्ज जो ये बनता है ना बेस इसका, वो बनता है। और उसकी वीडियो ना पता नहीं, मुझे लगता है यहाँ पे गलती से मेरी शायद डिलीट हो गई है। मैंने वो ली तो थी लेकिन इसमें नहीं आ पाई। यहाँ पे डेकोरेशन वाला जो है ना वही आया है, तो उसका ना मैं आपको अलग से बताऊँगी अगर हम दोबारा बनाएंगे ना, तो अलग से बताऊँगी। बहुत ही अच्छा बनता है। और भाई सच्ची में देख के ऐसा लगा था ना वाकई में कि ऐसा खाने का मन कर रहा था कि खा ही लेते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। और यहाँ पे देखिए जो शुगर सिरप होता है ना वो डालना होता है, ये इसमें डालते हैं ताकि केक जो है ना हमारा वो हार्ड ना हो दो तीन दिन तक भी, और सॉफ्ट बना रहे। इससे ये मॉइस्ट रहता है केक, मतलब बिल्कुल सूखा सूखा सा नहीं रहता है। तो यहाँ पे एक लेयर लगा के और उसके बाद इसमें क्रीम और चेरी इसमें डालते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट केक होता है उसमें चेरी डलती है। अभी यहाँ पे क्रीम लगाई जाएगी, तो ये जो पाइकिंग बैग होती है ना इसमें क्रीम को डालेंगे। और क्रीम व्हिप्ड करते हुए भी वीडियो मैंने बनाई थी लेकिन पता नहीं क्या हो गया कि वो इसमें आई नहीं। मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या कैमरा में कुछ गड़बड़ हो गई शायद। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, और घर में शायद सभी को सबसे ज़्यादा यही पसंद आता है जो ब्लैक फॉरेस्ट केक बनता है ना चॉकलेटी। तो यहाँ पे देखिए अभी सर जो है कि ये क्रीम लगा रहे हैं इसमें इस तरह से, और पहले इन्होंने किया था डेकोरेट, उसके बाद हमने भी किया था यहाँ पे। तो देखते रहिए आप किस तरह से बनता है। और ये देखिए क्रीम अप्लाई करने के लिए ना इस तरह से इसको घुमाना होता है, जो इसका ये केक को डेकोरेट करने का ये देखिए स्टैंड जो है, और क्रीम जो है अपने आप ही चारों तरफ को अप्लाई हो जाती है। तो चॉकलेट यहाँ पे इसमें ऊपर से डालते हैं ना, जो बिल्कुल वाइट वाइट क्रीम और ऊपर से चॉकलेट डालते हैं इसके ऊपर, तो तभी ये ब्लैक फॉरेस्ट केक बनता है। तो भाई हम ना बाज़ार से केक लेके आते हैं, चलिए वो भी अच्छी बात है ना, सबका अपना अपना काम है, अपना अपना बिजनेस होता है ना। लेकिन इसको देख के ऐसा लग रहा था कि इतना आसान होता है, हम घर में भी बना सकते हैं केक को, मतलब सारा सामान होना चाहिए हमारे पास। और ये जो क्रीम है ना ये चारों तरफ से ऐसे लेयर हो जानी चाहिए ना इस पर, कि जो काला है ना ये ब्लैक, मतलब ब्लैक स्पॉन्ज है वो दिखना नहीं चाहिए, बिल्कुल वाइट होना चाहिए ये। तो बस यहाँ पे ये जो कॉम्ब होती है केक कॉम्ब, उससे ना इसमें सुंदर सा डिज़ाइन भी डल जाता है और जो एक्स्ट्रा क्रीम होती है वो भी निकल जाती है। तो अभी जो बेस था ना इसका नीचे, ये देखिए इसके ऊपर यहाँ पे हमने इसको रख दिया केक को, और अभी साफ़ कर रहे हैं इसको जिसपे डेकोरेट करते हैं। तो साफ़ करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि ना फिर क्रीम में इसके चंक्स चंक्स से दिखते हैं, नहीं तो अच्छे नहीं लगते फिर वो। और अभी यहाँ पे देखिए सुंदर डिज़ाइन निकाला जाएगा, और भाई केक की डेकोरेशन तो तभी पूरी होती है ना जब उस पर सुंदर डिज़ाइन निकलेगा। ये देखिए यहाँ पे सुंदर से फ्लावर जो है वो बनाए जा रहे हैं, ये देखिए कितने सुंदर। और सर तो फटाफट से कर रहे थे ना क्योंकि इनको तो आदत होती है, मतलब जिन्होंने हमेशा करना होता है ना हमें थोड़ा सा ऐसा लग जाता है, टाइम थोड़ा सा लग जाता है। और अभी स्टार नोज़ल जो थी उससे ये बनाए हैं, देखिए फ्लावर से ऊपर जो बनाए हैं ना। और अभी यहाँ पर इसमें जो डार्क चॉकलेट थी ना जो, उसको छिड़का जा रहा है इसमें थोड़ा थोड़ा, तो तभी तो लगेगा ना ब्लैक फॉरेस्ट केक। देखिए मेहनत तो हर चीज़ में लगती है ना, और हम सोचते हैं बाज़ार से कि हाय केक इतना महंगा, नहीं भाई टाइम भी लगता है देखिए, और मेहनत हर चीज़ में लगती है। देखिए साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना होता है ना, ये देखिए जो भी नीचे क्रीम वगैरह लगी हुई है ना वो साथ में फिर चलती है इसमें, तो वो भी अच्छा नहीं लगता, तो वो सारा कुछ क्लीन करना होता है। और अभी जो सिंपल वाली होती है ना पाइपिंग नोज़ल लगाइए, देखिए पाइपिंग बैग में फिर से क्रीम डाल के, और जो नीचे का बॉर्डर होता है वो बना रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही सुंदर केक बन रहा था, देख के ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल बाज़ार में ऐसे ही केक मिलता है बाज़ार में इस तरह का।
और ये देखिए, मैं आपको पास से जूम करके दिखा रही ही हूँ कितना सुंदर सा डिज़ाइन बनाया हुआ है यहाँ पे भी नीचे सर ने इसमें। तो हमारा ये केक और ज़्यादा सुंदर दिखे इसके लिए इसके ऊपर लगाई जा रही है चेरी। तो चेरी लगाएंगे इन फ्लावर्स के ऊपर। तो देखिए ना, वाइट वाइट बेस और ऊपर से रेड रेड चेरी, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में, बिल्कुल मार्केट के जैसा। और ऊपर से देखिए यहाँ पे चॉकलेट है जो उसको इस पे छिड़क देंगे इस तरह से, तब हमारा ब्लैक फॉरेस्ट केक जो है बिल्कुल कम्प्लीट। और यहाँ पे ना स्पार्किंग होती है ना, जो चमकीली सी एक स्प्रे आती थी, मतलब खाने के लिए होती है वो, कुछ वो इसके ऊपर डाल रहे थे ताकि अच्छा सा दिखे केक। और यहाँ पे सिल्वर बॉल्स जो होती है ना, कुछ वो डाल ली है, मीठी शुगर की होती है ये भी, चीनी की बनी हुई। तो गाइज, अभी आज है वीरवार और शाम का टाइम है, 3:30 हो चुके हैं भाई, और मैं आ गई। अभी चाय पानी हो रहा है ऊपर, मैंने नहीं करना था चाय पानी, और क्योंकि ना आपको बताया अभी 7 तक छोड़ा हुआ है घर में, छोटा बच्चा है, तो चाय पानी तो मैं अपने घर में कर सकती हूँ। और बस अभी जा रही हूँ वापस। आज तो पूरा केक बनाया है भाई, ऊपर जो केक बने हैं ना आज पूरा अच्छे से बना, बहुत ही अच्छे से। तो जाते हुए मैंने नहीं किया कैप्चर कुछ भी, अभी आते हुए कर रही हूँ। और हमारे हिमाचल में हो रही है बारिश, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने छाता उठाया हुआ है, बारिश हो रही है, हल्की हल्की हो रही है अभी तो, इससे पहले अच्छी लगी हुई थी। तो चलिए चलते हैं भाई घर, भूख लगी हुई है, खाना भी खाना है, अभी खाना नहीं खाया था दिन में, जल्दी आ गए थे ना, तो 3:30 से 3:30 अभी हमारा यहाँ पे काम चला हुआ था। चलिए अभी घर चलते हैं, खाना खाते हैं। और भाई जैसी पहुँची घर, ये देखिए मौसम हमारे यहाँ पे ओले पड़ रहे हैं, चारों ओर अंधेरा, ओले पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। आज बनने वाला है गाजर से कुछ, ये गाजर जो है उसको कद्दूकस कर लिया, ये पतली पतली सी मैंने बचा दी है साइड में, इसका कुछ और बनेगा। ये रही गाजर, यहाँ पे मटर के छिलकों का है ढेर, मटर का भी कुछ बनेगा। तो देखिए यहाँ पे बन रहा है गाजर का हलवा। तो ट्रेनिंग से आने के बाद ना बारिश थी, तो उसके बाद खाना खुना खा के मैं लग गई थी गाजर कद्दूकस करने, और बस यहाँ पे सारा कुछ कर लिया था। और यहाँ पे मैंने डाला हुआ था रिफाइंड होता है ना जो ऑयल, वो डाला हुआ था। तो रिफाइंड अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें डाल दी गाजर जो भी कद्दूकस करी हुई थी ना, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो यहाँ पे फ्लेवर के लिए आप कुछ भी डाल सकते हैं, सौंफ, इलायची, जो भी डालना चाहें। तो और यहाँ पे चूल्हे के ऊपर से मैंने पतीला कर दिया ना पीछे को साइड, और कढ़ाई को लगा दिया है अभी, चूल्हे पे लगा दिया है यहाँ पे, तो क्योंकि मुझे बाकी और काम करना था ना, तो गैस पे आँच तेज़ होती है, मीठी मीठी आँच में अच्छा बनता है ये हलवा, मतलब मीडियम सी फ्लेम होती है ना तो अच्छा बनता है, और चूल्हे के पास आग भी जलती रहेगी और ये भी पकता रहेगा, सारे काम एक साथ हो जाएंगे। और ये देखिए हलवा हमारा यहाँ पे कुछ इस तरह से, अभी तो डाला ही है, अभी तो बहुत कच्चा है, पक्के तो बिल्कुल थोड़ा सा हो जाएगा। ये क्या है, ये हलवा बन रहा है सार्थक, हलवा गाजर का हलवा, गाजर का हलवा। तो ये भाई हमारा हलवा कहाँ पहुँचा, गाजर भून चुकी है अच्छे से, अभी इसमें डालेगा चीनी और जो भी डालना है बाकी और चीज़। तो जितने में मैं बाकी का काम किया मैंने उबरे उबरे का, उतनी देर में हलवा जो है देखिए इतना पक गया था। यहाँ पे बैठे हुए हैं पतिदेव, इसमें चीनी डाल रहे हैं, और चीनी मैं बोल रही थी इनको कि ये कम है, मैं क्या और डाल दो, पूरा डब्बा डाल दो ये जो आप लाए हो। तो बोलते दिमाग ख़राब हो गया, इतना चीनी चीनी खानी है क्या, बिल्कुल ही नहीं, मतलब मीठा थोड़ा होना तो चाहिए ना, तभी तो लगेगा कि मीठा है।
और बस यहाँ पे देखिए चीनी डालने के बाद थोड़ा सा पक गया था। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था नारियल का बुरादा जो होता है ना, डेजिकेटेड कोकोनट, वो डाल दिया था। अच्छा लगता है इसमें, आप डाल के देखिएगा कभी। और अगर तो जो गरी होती है ना, सूखी गरी, अगर तो वो डालेंगे तो वो तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। बारीक बारीक बिल्कुल ना क्रश करके आपको डालनी है इसमें। और साथ में यहाँ पे भाई मटर दिख रहे थे ताज़े ताज़े से, और पतिदेव की फरमाइश होगी कि खिचड़ी बनानी है भाई मटर वाला, मटर पुलाव, तो मैंने सोचा चलिए और चीज़ रहने देती हूँ। सुबह की दाल भी बची हुई थी कुछ थोड़ी सी, और यहाँ पे लगी हूँ मैं अभी देखिए पुलाव बनाने। चावल मैंने रख दिए थे साफ़ करके, और यहाँ पे सबसे पहले डाला देखिए जीरा, जीरा के बाद डाली है मेथी। तो मेथी और जीरा खिचड़ी में दोनों बहुत ही अच्छा टेस्ट लाते हैं, खिचड़ी मतलब पुलाव में। और उसके बाद मोटे मोटे काटे हुए थे यहाँ पे प्याज, प्याज को भी डाल दिया। अच्छे से इसको भून लेंगे हम, तो प्याज जो है ना इसमें अच्छे से भूनने चाहिए भाई, कच्चे कच्चे से अच्छे नहीं लगते। तो आज पतिदेव भी थे अभी घर पे ही, और यहाँ पे ये लग गए थे जो खचौड़ी होती है ना उसको काटने लग गए थे, जो एक तो होती है ना गागुटी मतलब अरबी, और एक होती है बड़े वाली उसको बोलते हैं खचौड़ी, वो लग गए थे यहाँ पे काटने। ये देखिए छील के रखी भी ना, और बस इसके अच्छे से पीसेस बनाने लग गए थे यहाँ पे। तो भाई मटर और खचौड़ी बनने वाली है सुबह को, उसकी तैयारी हो रही है ये। तो इसके अच्छे से पीस, मतलब दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे पनीर है भाई। जितने में कचौड़ी देखी उतनी देर में देखिए यहाँ पे प्याज जो है ना वो भी अच्छे से भून गए हैं। अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पे मैंने इसमें ना थोड़ा सा लहसुन डाल दिया, लहसुन पीसे हुए थे ना मैंने कुंडी में वो डाले, और उसको भी अच्छे से भूनना ज़रूरी होता है, नहीं तो कच्ची सी स्मेल आती है उसकी। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए धनिया डाला है, सेम जो मसाले यूज़ होते हैं ना, धनिया मिर्ची और हल्दी, वही यहाँ पे डालेंगे। और बस उसके बाद हम डाल देंगे इसमें मटर। मटर को दो मिनट के लिए ना हमें ऐसे ही सूखा राड लगाना है इसमें, तभी इसमें ना बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, जो पुलाव बनाते हैं ना मटर का पुलाव। मटर में यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल दिया मैंने। तो चावल डाल के ना दो मिनट के लिए इनको भी राड लगाना है मटर के साथ। और यहाँ पे देखिए जो चावल है ना वो भी थोड़े से रड़ गए हैं मटर के साथ, और अभी इसमें मैं डाल दूँगी पानी। तो पुलाव ना हमारे यहाँ पे थोड़ा पतला पतला सा ही खाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, ढीला ढीला सा पुलाव होना चाहिए, तो अच्छा लगता है। क्योंकि चपाती के साथ भी खाते हैं ना तो अच्छा लगता है इस तरह से। तो बस यहाँ पर कुकर में ढक्कन लगा दिया मैंने, और ये देखिए हमारा पुलाव कितना अच्छे से बन के तैयार हुआ हुआ है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है, गर्मा गर्म पुलाव खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए भाई आप भी हमारे साथ डिनर कर लीजिए। डिनर में है पुलाव, उड़द और चने की दाल है सुबह की, जो सुबह की दाल है ना, और साथ में है गाजर का हलवा। तो आप भी हमारे साथ भाई डिनर का आनंद लीजिए, बहुत ही सिंपल सा डिनर है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे जो कोई भी फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय मेरी वीडियो को देने के लिए। तो चलिए मिलूंगी एक और नए ब्लॉग के साथ, बाय।